तो देखिए कितनी बढ़िया करके पकी है और चटपटी सी हो रही है। आज लेके आई हूँ मैं लोबिया की रेसिपी, तो बनाते हैं बढ़िया करके। रात भिगो दी थी मैंने, सवेरे हम बना रहे हैं। अब ले रखा है हमने कुकर, इसमें डाल देंगे सारी दाल को, साफ करके धो लिया है। इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक और इसको रख देते हैं उबालने के लिए 2 सीटी, फिर दिखाते हैं आपको। तो इधर आ गई है सीटी, इसको निकाल देते हैं। आइए देख, कैमरामैन कह रहा तेज बोल, 2 सीटी आ गई है, कुकर को निकाल लेते हैं। ये देखिए सीटी निकालते हैं, उसके बाद हमारी दाल देखते हैं क्या हाल हो रहा है दाल का। और लोबिया की दाल पके तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कितनी बढ़िया सी गल गई है और फूल भी गई है। और ज़्यादा एकदम हमने इसको गलाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं इसके सूखे सूखे छोले, मटर के छोले, चने के छोले तो बहुत खाए होंगे, आज बना रहे हम लोबिया के छोले। चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो देखिए मैंने अच्छी से पोत ली है, जलेगी नहीं करके, आग बढ़िया जल गई है। कढ़ाई गर्म करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए इसका मैं पानी अलग, लोबिया अलग कर लेती हूँ। लोबिया का पानी सारा निकाल दिया है। जो ये लोबिया की दाल का उबला हुआ पानी है, इसमें आप चावल भी पका सकते हो, बहुत टेस्टी होते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत स्वादिष्ट लोबिया बनेगी हमारी आज। तो आधा चम्मच हमने डाल दिया है इसमें जीरा, जीरे को करते हैं ब्राउन। जीरा हो गया है ब्राउन, अब ले रखे हैं हमने एक प्याज, इसको डाल देंगे। प्याज को करते हैं ब्राउन अच्छी तरह से। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाल रखा है। और डालेंगे इसमें लहसुन, कद्दूकस कर रखा था, अच्छे से इसको भूनते हैं टमाटर के साथ लहसुन। टमाटर और प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो मैंने बहुत सारी रेसिपी नए डाल रखी है अपने चैनल में, जाके देखना। टमाटर प्याज हमारे भून चुका है, देखिए कितना बढ़िया हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। थोड़ा सा डालते हैं हम हल्दी इसमें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा इसी के साथ हम डाल देंगे गरम मसाला। अब अच्छे से इसको घुमाते हैं, जरा हल्का सा पकाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी मसाले को पकाने के लिए। गरम मसाले के साथ ही हरी मिर्च डाल देते हैं। मसाले के साथ हमने ले रखी है हरी मिर्च, इसको भी डाल देंगे, लाल और हरी। हल्का सा डालेंगे इसमें हम पानी दाल का। अब थोड़ा सा मसाले के साथ दाल को पकाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमारे छोले बनके रेडी हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, सर्व करके दिखाती हूँ आपको। रोटियों के साथ लाजवाब, बस इसके ऊपर से धनिया डालने की देरी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, तो देखिए कितनी बढ़िया करके पकी है और चटपटी सी हो रही है। आप भी, ये तो हम खाने वाले हैं रोटी के साथ, आप भी बनाना रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत टेस्टी रेसिपी है हमारी लोबिया की दाल। कैसी लगी आपको कमेंट करना, फॉलो जरूर करना। फिर मिलती है अगली रेसिपी, तब तक के लिए बाय।